सुजानपुर टिहरा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उपमंडल अधिकारी शिल्पा की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय में बैठक की गई, जिसको लेकर 5 पार्षदों ने उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन उप प्रधान द्वारा पहले से ही अपना त्याग पत्र उपायुक्त हमीरपुर को सौंप दिया गया था, जिसके कारण उनकी तमाम शक्तियां समाप्त कर दी गई है। ये जानकारी उपमंडल अधिकारी शिल्पा के द्वारा दी गई। सुजानपुर टिहरा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उपमंडल अधिकारी शिल्पा की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय में बैठक की गई, जिसको लेकर 5 पार्षदों ने उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए थे, लेकिन उप प्रधान द्वारा पहले से ही अपना त्याग पत्र उपायुक्त हमीरपुर को सौंप दिया था, जिसके कारण उनकी तमाम शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। ये जानकारी उपमंडल अधिकारी शिल्पा के द्वारा दी गई। वही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वार्ड नंबर 9 से रेणु गुप्ता, अशोक मेहरा, वार्ड नंबर 1 से ज्योति शर्मा, वार्ड नंबर 8 से अनीता कुमारी, 5 से मनोज ठाकुर, वार्ड नंबर 3 से उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। ज्ञात रहे कि सुजानपुर नगर परिषद के प्रधान के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए थे, जिसको लेकर नगर परिषद में ना तो प्रधान का पद और ना ही उप प्रधान की सारी शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं, जिसको लेकर कार्यालय में उपमंडल अधिकारी सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। वही उपमंडल अधिकारी ने बताया कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाएगा और लोगों के कार्यों को बेखूबी से निभाया जाएगा। क्लियर है इस मामले में। सबसे पहले हम यहाँ की जो कार्यपाली है उसको उपायुक्त महोदय और जो हमारे अबर यूडी के डायरेक्टर हैं उनको भेजेंगे हम, और साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी अबर डेवलपमेंट को भेजेंगे। फिर वहाँ से नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद हम कार्यपालिका। अब तक जो है जो कार्यवाही अध्यक्ष के बाद वाइस प्रेसिडेंट के पास आ गई थी, अब आगे की जो कार्रवाई है वो आपके अंडर रहेगी और उनकी जो पावर्स थी क्या उनको खत्म कर दिया गया? हाँ जी, जैसे ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है उसी समय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी पावर्स खत्म हो गई, तो अब जो हमारा एक्ट कहते हैं उसके अनुसार हम आगे निकालेंगे। अच्छा, मेरे में एक और सवाल, जैसे अगले प्रधान उप प्रधान दोनों पद खाली, नेक्स्ट प्रक्रिया कब होगी स्टार्ट, जैसे प्रधान के लिए या उप प्रधान चुनने के लिए? वो जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद है। ये कोई टाइम बाउंड है इसके लिए कितना समय है? क्योंकि कितने लंबे समय तक आप इसको खाली रख सकते हैं? टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के एक महीने के अंदर हम ये इनके चुनाव करवाएंगे। ये तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि एक्ट मैंने ये चीज अभी नहीं देखी, लेकिन हाँ हमारे पास जो एक्ट है उसमें एज SDM हम मीटिंग्स कन्वीन कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।